शादीपुर में देर रात मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान पब्लिक और पुलिस में झड़प भी हो गई। मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों ने मूर्ति की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से जब मूर्ति को घेर कर बैठे थे, तब जबरन पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने पर भीड़ उग्र हो गई और बचाव में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर उन पर हमला किया है। जब वो चुपचाप बैठे थे तो पुलिस ने जबरन उन पर लाठियां बरसाई। लोगों ने कहा कि बड़ी दुर्गा महारानी के विसर्जन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान कई मूर्तियां लाइन में लगी थी और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी समिति पर पुलिस द्वारा जल्द से जल्द मूर्ति विसर्जन का दबाव बनाया जाने लगा। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 17 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आपको बता दें कि मुंगेर में पहले चरण में मतदान होना है और इस घटना के बाद से जिले में आक्रोश है।